गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम सेकंड क्लास के इंग्लिश के बुक से लेसन फोर्टीन द डॉग के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे सबसे पहले हम लर्न करते हैं वर्ड मीनिंग न्यू वर्ड्स नए शब्द स्टोल स्टोल मींस चुराया स्टोल मींस चुराया रेस्ट रेस्ड मीन्स पहुँचा रेस्ड मीन्स पहुँचा ब्रिज ब्रिज मीन्स पुल ब्रिज मीन्स पुल रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन मीन्स परछाई रिफ्लैक्शन मीन्स परछाई बार्क्ड बार्क्ड मीन्स भोका बार्क्ड भोका ऑन ऑन मीन्स अपने ऑन मीन्स अपने एक बार फिर से स्टॉल चुराया रेस्ड पहुंचा ब्रिज पुल रिफ्लेक्शन परछाई बाग्ड भोंका ऑन अपनी और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंसन के अंडर अंडर दिया है एक्टिविटी वन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के वन वर्ड में आंसर दीजिए डिड द डॉग हैव इन हिज माउथ कुत्ते के मुंह में क्या था या कुत्ते ने मुंह में क्या ले रखा था क्या ले रखा था ए पीस ऑफ ब्रेड ब्रेड का एक टुकड़ा ए पीस ऑफ ब्रेड सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द डॉग सी हिज रिफ्लेक्शन कुत्ते ने अपनी परछाई कहा देखी कहा देखी थी इन द वॉटर पानी में इन द वॉटर पानी में वेयर डिड द डॉग सी हिज रिफ्लेक्शन इन द डॉग थर्ड इज वट पीस ऑफ ब्रेड वैन ही बार्कड उसके ब्रेड के टुकड़े को क्या हुआ जब वह भोंका तो क्या हुआ था बताइए इट फेल इन टू द वॉटर यह पानी में गिर गया इट फेल इंटू द वोटर इट फेल इंटू द वोटर नेक्स्ट इज हाउ डिड द डॉग फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी कहानी के अंत में कुत्ता कैसा महसूस कर रहा था ही फेल्ट वेरी सैड उस वह बहुत उदास था ही फेल्ट वेरी सैड वह बहुत Once again, what did the dog have in his mouth? A piece of bread. Second is, where did the dog see his reflection? In the water. Third is, what happened to his piece of bread when he barked? It fell into the water. And fourth is, how did the dog feel at the end of the story? He felt very sad.